ऑर्डर और रॉ क्या होता है? आज हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ रॉ क्या होता है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि ब्लड कलेक्शन करते ही सबसे पहले ब्लड कल्चर बॉटल में सैंपल लिया जाता है। तो फिर ऑर्डर ऑफ रॉ में दूसरे नंबर पर कौन सी ट्यूब आती है? जरा सोचिए। ये कौन सी ट्यूब है? नहीं मालूम, चलिए हम बताते हैं। सोडियम साइट्रिक ट्यूब। सबसे पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके बाद हमें सैंपल कलेक्शन के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट रखते हैं वह सब रेडी करके रखने हैं। उसके बाद पेशेंट को एक चेयर पर बिठाना है। पेशेंट का जो हाथ होगा, वह दाया हो या बाया हो, कोई भी चलेगा। जिस भी हाथ की नस अच्छी दिख रही हो वो हाथ को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पेशेंट के हाथ में हम टोर्निकेट बांधेंगे और मुट्ठी बंद करने के लिए कहेंगे। अब जो पेशेंट की नस दिख रही है उस नस के आजू बाजू में हम अच्छे से स्पिरिट लगाकर सैनिटाइज करेंगे, ताकि अगर हम इंजेक्शन की नीडल प्रिक करते हैं तो पेशेंट के स्किन के ऊपर के सतह में जो बैक्टीरिया होते हैं वह अंदर ना जा सके और नस के अंदर जाने के बाद वह फिर से हमारे ब्लड में ना आ जाए। इसलिए हमें ऊपर की जो स्किन होती है उसे अच्छी तरह सैनिटाइज करना है। इसके बाद जो स्किन हमने सैनिटाइज की है वहां पर 30 डिग्री के एंगल में सुई को चुभोना है। बाद में सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के अनुसार ब्लड कल्चर ट्यूब में या ब्लड कल्चर बॉटल में सैंपल लेना है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में दूसरे नंबर पर सोडियम साइट्रेट ट्यूब आती है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में कितने क्यूब लगते हैं, इन सभी पर हम 1x1 वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह जो लाल वाला नीचे बटन दिया है उसे जरूर दबाएं। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन इस पे क्लिक करें।